जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार हम लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी तरह हम हर आयु के लोगों के विचार ले रहे हैं कि उनका बाबा राम रहीम के बारे में क्या सोचा है। आज हमारे साथ है एक युवा, जानते हैं उनसे कि उन्हें क्या पता है बाबा राम रहीम के बारे में। जी, आपका नाम? सिमरन इंसा। क्वालिफिकेशन? मैं अभी 9th पास करी है। मैंने 9th पास की है आपने अभी, और नौजवान है आप। एक बाबा राम रहीम को जानते हैं? हाँ, वो मेरे दादी पापा जाते थे वहाँ पर, और तब से मैंने जाना चालू करा है। मैं छोटी थी, मैंने तब से जाना चालू कर रखा है। क्या आपको धक्के से लेके जाते सत्संग में, क्योंकि आपकी इस उम्र में तो लोग सत्संग नहीं जाते जैसा कि हमने देखा है नॉर्मली? नहीं, मेरे को जबरदस्ती नहीं, मेरा मन करता है, मेरे को अच्छा लगता है जाना सत्संग में। क्यों मन करता है आपका सत्संग में जाने का, क्या सीख देते हैं श्री बाबा रामदेव? क्योंकि अभी हम कहीं पर भी देखे, हर जगह गलत ही माहौल है, हर जगह गलत ही सलाह मिलती है हमें हर जगह। हम यहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे माहौल है, अच्छे भाई बहन मिलते हैं, अपने बहुत प्यार दिखाते हैं। बाहर हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ हम आग बंद करके किसी पे विश्वास कर सकते हैं, और यही बहुत बड़ी बात है। टीवी तो आप भी देखते होंगे, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, आज बाबा राम रहीम के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो कितना सच है? बिल्कुल 0% गलत है सारा, और हम किसी बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे दिल से है। हम अपने पिताजी को बहुत बड़ा मानते हैं, कोई हमारे उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ भी दिखाएं, ये अपनी उसके लिए ना, बढ़ाने के लिए, अपनी सोशल मीडिया की वो बढ़ाने के लिए वो दिखा रहे हैं, ऐसा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। हम लोग जाते हैं, हमें पता है क्या सच्चा क्या गलत है। तुम आज तक गए नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में ऐसा? ऐसा क्या सच है बाबा राम रहीम के बारे में जो लोगों से छुपाया जा रहा है? आजकल अच्छाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो वही ये चीज देख के लोग जलते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पिताजी पे इसलिए झूठे नाम लगाए जा रहे हैं, और इसमें कोई भी सच नहीं है। समाज के लिए क्या कार्य करते थे बाबा राम रहीम? बहुत सारे करते थे, ब्लड डोनेशन होते थे, सफाई अभियान होते थे, और जिनको जरूरतमंद को पैसे दिलवाते थे, ब्लड डोनेट करवाते थे। जिनको अंग चाहिए होते, लोग अपनी पहली मतलब लिखवा देते हैं नाम, की हमारे मरने के बाद हमारे अंग, तो इतनी कहाँ मिलेगा आज तक कहीं पर भी। लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, जिनकी लड़के वहाँ पर रहते, इतने कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं वहाँ पर, हॉस्टल हैं, पता नहीं कितने कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ क्या लड़के सब रहते हैं वहाँ पर। आजकल यहाँ पर लड़का भी सेफ नहीं है, और वहाँ पर सब कुछ सेफ ही है।